जय हिंद। मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट को लेकर आया हूं और ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसके पहले भी मैं इसके ऊपर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दिया हूं और ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे, ओके, जो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर के आते हैं, 3 नंबर या 2 नंबर में आते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं, मनुष्यों एवं उनके पशुओं को पालन पोषण के लिए खाद आपूर्ति हेतु खाद्यान्नों को फसल कहते हैं, जैसे धान, जौ, मक्का, दलहन, ये सब फसल है। कृषि विज्ञान किसे कहते हैं, तो कृषि विज्ञान किसे कहा जाता है, ध्यान से देखिए कि विज्ञान की जिस शाखा में कृषि संबंधी विषय जैसे बेहतर फसल उत्पादन, गुणवत्ता का विकास, कीट पतंगों से बचने के उपाय का अध्ययन किया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। खरीफ फसल VBI क्वेश्चन है, खरीफ फसल से क्या समझते हैं, तो खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में किया जाता है तथा कटाई का काम सितंबर अक्टूबर में है। यह फसल दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर करता है, इसमें धान, मक्का, कपास, सोयाबीन की खेती होती है। चलिए रबी फसल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा कटाई का समय मार्च अप्रैल है। रबी फसल निर्भर करता है, इसमें गेहूं, चना, मटर, तिलहन आदि सम्मिलित है। उसके बाद और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि सीटर तथा नॉन सीटर मुर्गी किसे कहते हैं। तो सीटर मुर्गी वे मुर्गी जो अपने अंडे को सेती है उसे हम क्या कहते हैं, सीटर मुर्गी कहते हैं, जैसे वर्मा कोचिन। और नॉन सीटर मुर्गी वे मुर्गी जो अपने अंडा को नहीं सेती है उन्हें नॉन सीटर मुर्गी कहते हैं, जैसे लेग हॉर्न। कार्प किसे कहते हैं, तो मीठे जल में रहने वाली मछलियाँ जिनमें हड्डी रहती है पर त्रिकोणात्मक सिर पर कोई स्केल्स नहीं होता है, इसके शरीर में अतिरिक्त श्वसन अंग, दांत, जबड़ा तथा शरीर में पटका होता है, उन्हें हम कार्प कहते हैं, ओके। और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, चाय में कौन सा पौष्टिक गुण होता है, तो कैफीन के कारण शरीर को उत्तेजित करता है, ये गुण है। चाय में विटामिन बी टेनिक होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। 3 नंबर आप देख रहे हैं कि पेंटोथेनिक अम्ल कैफीन तथा थियोफिलिम तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, काली चाय में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोलिक अम्ल होता है और विटामिन के हरी चाय में होता है जो अतिरिक्त हेमरेज से बचाता है, ओके। मधु का पौष्टिक गुण क्या है, तो मधु का पौष्टिक गुण आप देख लीजिए, 1 नंबर में दिया है, इसमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज होता है, इसमें एनिमो अम्ल होता है, इसमें NaCl, CaFe, MgP जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसमें विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी मिलता है। चावल का पौष्टिक गुण क्या है, तो इसमें 79.1% कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल में 6% प्रोटीन तथा 0.4% आवश्यक खनिज रहते हैं, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद पेस्ट क्या है, तो पेस्ट क्या है, ऐसे जीव जो आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं, जैसे चूहा, दीमक, ओके। अजैविक खाद किसे कहते हैं, अजैविक खाद एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, अमोनिया सल्फेट जैसे, ठीक है। जैविक खाद का क्या उपयोग है, तो इसका क्या उपयोग है, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यह लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है, मिट्टी की रचना को ठीक करता है, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन, आम में कौन सा पौष्टिक गुण मौजूद है, तो आम में वसा, प्रोटीन तथा खनिज मिलता है, इसमें विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स तथा सी अधिक मात्रा में मिलता है, आम में जल रेशा तथा फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं।
कृषि विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, तो इसमें मिट्टी प्रबंध के बारे में पढ़ाया जाता है, फसल उत्पादन, फल सब्जी फूल तथा सजावट के कार्य में आने वाले सभी उद्भिजों की खेती, पशुपालन, ये सब इसमें पढ़ाए जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं कि कृषि कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मिट्टी को कृषि योग्य बनाना, खाद का उपयोग, फसल उत्पादन, बीज बोना, सिंचाई, फसल काटना, हानिकारक कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा, फसल का संचय आदि। उसके बाद है मछली उत्पादन के आधार पर मछली पालन को कितने भागों में बांटा गया है, तो मछली पालन को दो भागों में बांटा गया है, संग्रह आधारित और पालन आधारित। मधुमक्खी के जीवन चक्र का वर्णन करो। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा। मधुमक्खी के जीवन चक्र को चार भागों में बांटा गया है, अंडा, लार्वा, फ्यूपा तथा व्यस्क। रानी मक्खी नर मक्खी के साथ निषेचित होकर अंडे देती है, अंडे बढ़कर लार्वा तथा लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा पूर्णांग व्यस्क मक्खी के रूप में बदल जाता है। ये उसका पिक्चर दिया हुआ है, थोड़ा समझ जाइएगा। ओके, सबसे पहले आप देख लीजिए इस पिक्चर को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मछली का पौष्टिक गुण क्या है, तो मछली से हमें प्रोटीन, एनिमो अम्ल तथा लिपिज मिलता है। मछली में कैल्शियम, पोटेशियम, आपका MgS खनिज मिलता है, विटामिन ए, सी, डी, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। जैविक खाद, अजैविक खाद से क्यों बेहतर है, तो जैविक खाद में जल धारण क्षमता अधिक होती है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु की संख्या वृद्धि में सहायक होता है, मिट्टी की प्रकृति में जैविक खाद सहायक होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका ब्रायलर मुर्गी किसे कहते हैं, ब्रायलर, ठीक है। ब्रायलर मुर्गी वर्ण संकर मुर्गी हैं, इनका पालन मांस के लिए होता है। फार्निस जाति के नर मुर्गी के साथ सफ़ेद मादा फ्लाई माऊ जाति के मुर्गी के मिलन से संकर जाति की मुर्गी तैयार होती है। ब्रायलर मुर्गी तेजी से बढ़ती है, 5 से 7 सप्ताह में बेचने लायक हो जाती है, व्यवसायिक दृष्टि से यह काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि NPK से आप क्या समझते हैं, NPK खनिज का उदाहरण दो, तो पौधों की वृद्धि के लिए 14 मौलिक उपादानों की आवश्यकता होती है, इसमें 3 खनिज उपादान अधिक आवश्यक है, वे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको हम लोग NPK जनित खाद का उदाहरण कहते हैं, यानी N जनित खाद अमोनिया सल्फेट यूरिया, P जनित खाद क्या होता है, सुपर फास्फेट, ट्रिपल फास्फेट और आपका जनित खाद यानी K का पौष्टिक सल्फेट होता है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुर्गी प्रजाति का वर्णन करो तथा प्रत्येक का उदाहरण दो। तो अंडा देने वाली मुर्गी यह वर्ष में 150 से 200 अंडा देती है, जैसे लेग हार्न, जी ने को। मांस उत्पादन मुर्गी ये वर्ष भर में अधिक परिमाण में मांस देती है, मांस उत्पादन के लिए इसका पालन किया जाता है, जैसे चिट गांग, वर्मा, कोची। उभय गुण संपन्न जाति इसका पालन मांस तथा अंडा दोनों के लिए होता है, जैसे रोड आइलैंड, प्लाज माउथ रॉक, न्यू हैम्परसाइड। मांस तथा अंडा का पौष्टिक गुण क्या है, तो ये प्रोटीन के स्रोत है, मांस में हानिकारक तत्व कम होते हैं, अंडे में एमिनो अम्ल ये सब खनिज मिलते हैं, इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, डी तथा बी मिलता है। उसके बाद है श्रमिक मधुमक्खी के कार्य का उल्लेख करो, तो श्रमिक मधुमक्खी के निम्नलिखित कार्य है, छत्ता तैयार करना, रानी तथा नर मधुमक्खी की सेवा करना, बच्चे का पालन करना, छत्ते की रखवाली करना, फूलों से पराग तथा मकरंद रस ग्रहण करना, मधु तथा मोम बनाना, ठीक है। उसके बाद अजैविक खाद का प्रयोग, जैविक खादों से अधिक
होने से क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजैविक खादों से फसल की उपज ज़्यादा होती है, लेकिन जैविक खादों के ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, ये लाभकारी बैक्टीरिया के कार्य में बाधा डालती है, अमोनिया सल्फेट के अधिक प्रयोग से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, उसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट के उपयोग से मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, पौधों को बढ़ने के लिए अम्ल क्षार का संतुलन आवश्यक है, इसके अलावा अजैविक खाद पानी के साथ बाहर नहीं नदी अथवा तालाब में चले जाते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है, इसीलिए जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए अजैविक खादों के बदले जैविक खाद का उपयोग बढ़ जाता है। उसके बाद है अत्यधिक कीटनाशक के प्रयोग से क्या होता है, ये अंतिम क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा, कीटनाशक का प्रयोग पौधों में लगने वाले कीट पतंगों को मारने में होता है, इनका उपयोग करते समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें होने वाली जो हानियां है, नाइट्रोजन उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग से पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पेस्ट नाशकों के प्रयोग से पेस्टों की संख्या में तीव्र गिरावट आई है जो परिस्थिति की के लिए अच्छा नहीं है, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से पालतू जानवर पर इसका प्रभाव दिखता है, खाद श्रृंखला के माध्यम से ये कीटनाशक दूसरे जीवों में चले जाते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।